Hi friends, this is Sunil Talreja from Talreja English Speaking Classes. I am an English trainer. Friends, आज का हमारा रूल बड़ा important और बहुत छोटा THE जो definite article है जिसको कभी the पढ़ा जाता है और कभी the पढ़ा जाता है. तो आज हम समझेंगे इसको the कब पढ़ना है और the कब पढ़ना है. जब इसके बाद वाला जो word है अगर वो consonant sounds का हो, consonants मतलब व्यंजन हो, तो इसको द पढ़ना है. और जब वोवेल साउंड्स का हो तो हमको इसको दी पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल एस यू एन सन, ये क्या कॉन्सनेंट है तो इसको अपने को पढ़ना है द सन. अगर होता ई ए आर टी एच अर्थ, वोवेल साउंड से तो इसको पढ़ना है दी अर्थ. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल न्यूज, कॉन्सनेंट से तो क्या पढ़ेंगे द न्यूज. एंड, वोवेल साउंड से तो क्या पढ़ेंगे द एंड. एक और एग्जांपल देखते हैं बेस्ट, ईस्ट, तो ये कॉन्सनेंट है तो इसके पढ़ेंगे द वेस्ट और ये वोवेल है तो द ईस्ट. तो फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि द कब पढ़ना है और दी कब पढ़ना है. अब इसका एक और रूल है कि जब हम किसी चीज पे फोर्स दें, इम्फेसिस दें, तो उसको हमेशा दी ही पढ़ना है. जैसे यही वह जगह है जहां हम क्रिकेट खेला करते थे, यही वह जगह है, इसको इम्फेसिस दे रहे हैं तो आप बोल सकते हो दिस इज दी प्लेस. उसमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो वोवेल साउंड से या कॉन्सनेंट साउंड से. इसी तरह यही वह जगह जहां हम क्रिकेट खेला करते थे, दिस इज दी प्लेस वेयर वी यूज टू प्ले क्रिकेट. यही वह स्कूल है जहां मैं पढ़ाया करता था, दिस इज दी स्कूल वेयर आई यूज टू टीच. फ्रेंड्स क्लियर हुआ ये रूल.